Hello friends, I am Sonali Patel from the Vaishnav Institute of Forensic Science. My topic is physical construction of CPU. The central processing unit of computer is a piece of hardware that carries out the instruction of the computer program. यह perform करता है basic construction, basic operation जैसे कि arithmetic, logic and input-output operation of the computer. The CPU is the like brain of the computer. Component of computer. First is the arithmetic logic unit जो कि perform करता है simple arithmetic logic operation of the computer. Control unit. Second is the control unit जो कि manage करता है जितने भी various components होते हैं computer को उनको यह read करता है और interpret करता है जितने भी instruction होते हैं from memory से उनको transform करता है in series के रूप में और एक्टिवेट करता है अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को. कंट्रोल यूनिट को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं जो कि परफॉर्म करता है जितने भी नेसेसरी कैलकुलेशंस होते हैं उनको. मदरबोर्ड इज द बॉडी और मेन फ्रेम ऑफ द कंप्यूटर जिसके थ्रू जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरफेस करते हैं. इट इज द सेंट्रल सर्किट बोर्ड मेकिंग अप अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. मदरबोर्ड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिसके द्वारा जो भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं. मदरबोर्ड में इंक्लूड होता है मेनी कंपोनेंट्स सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फायरवेयर एक्सेट्रा. मेमोरी. देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी. फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड इज रीड ओनली मेमोरी. रैम मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल नेचर की होती है. इट मीन्स जब पावर ऑफ होती है तो इसमें जितना भी डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो लॉस्ट हो जाता है. रैम इज यूज टू स्टोर डाटा दैट इज करेंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू. देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम. रोम. रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है. इसको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जितना भी डाटा होता है अगर पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता या लॉस्ट नहीं होता. पावर सप्लाई. द पावर सप्लाई एज इट्स नेम माइट सजेस्ट इज अ डिवाइस जो कि पावर होती है उसको सप्लाई करते हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में उनको. इन केस ऑफ फॉल्ट्स अ ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज कंट्रोल एंड अ कूलिंग फैन. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोरेज होता है जो कि स्टोर करता है डिजिटली इनकोडेड डाटा को ऑन रैपिडली रोटेटिंग प्लेटर्स विद मैग्नेटिक सरफेस. एक्सपांशन बसेस. एक्सपेंसिव बस इज इनपुट और आउटपुट पैथवे होता है फ्रॉम द सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस. इट इज ए टाइपिकल और जो कि बना होता है सीरीज ऑफ स्लॉट्स है ऑन द मदरबोर्ड. बसेस कैरीज करते हैं जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको सच एज डाटा हो गया, मेमोरी हो गई, एड्रेसेस, पावर एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट. देयर अदर टाइप्स ऑफ बसेस इंक्लूड ISA एंड EISA. चिपेस्ट इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ सर्किट्स जो कि कोऑर्डिनेट करता है और फ्लो करता है डाटा को फ्रॉम द PC. ब्रिज. एक नेटवर्क ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि क्रिएट करता है सिग्नल को फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क से. दिस फंक्शन इज कॉल्ड नेटवर्किंग ब्रिजिंग. नेटवर्किंग ब्रिजिंग कनेक्ट सेपरेट नेटवर्क सच इफ दे वर अ सिंगल नेटवर्क. In the OS model, bridging is performed in the data link layer. If one or more segments of the bridging network are wireless, then the device is called as a wireless bridging and that function as a wireless bridging.